जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग स्थित चितरडी के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने मंगलवार की देर शाम को फल कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देते हुए 7 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों फल कारोबारी और उसके सहयोगी को मारकर घायल कर दिया। फल कारोबारी मोहम्मद तबरेज आलम शहर के हुट्टी बाजार के रहने वाले थे, जबकि उसका सहयोगी चंद्रशेखर यादव बिंगाबाद थाना के ताराटार खुटी गाँव का रहने वाला है। घटना के बाबत बताया जाता है कि फल व्यवसायी मोहम्मद तबरेज अपने सहयोगी के साथ बाइक से जमुआ मिर्जागंज खरगडीहा गावा तिसरी गया हुआ था, जहां से दोनों फल के खुदरा विक्रेताओं से उधारी का तगादा का पैसा वसूल कर देर शाम को गिरिडीह लौट रहे थे। इसी क्रम में पीछे से बाइक सवार दो अपराधी आए और चंद्रशेखर के हाथ पर लाठी से वार कर दिया। उसके बाद तबरेज को खींचकर बाइक से नीचे उतारा और मारपीट करने लगे। इस दौरान अपराधियों ने उसके पास से रुपयों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल फल व्यापारी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वो वहां से अपना तगादा लेके आ रहे थे। उसके बाद चितड़ी आए, बीच चितड़ी पल्सर था एक पीछे, नीचे ब्लू कलर का लाइट था, उन्होंने पीछे से हमको फॉलो किया, एक बार यहाँ मारा हमको, एक बार और मारा, हम सोचे गिर गिर गिरे ना आगे बढ़े, उसके बाद उसको पीछे से गाटा पकड़ लिया, हमको डर लगा कि हमको भी मार देगा, तो टंकी में जाके सामने खड़ा पैसा भी छीना हमसे नहीं आपके साथ में पकड़ के नीचे रख लिया। अच्छा, एक लड़का को साथ में रख मालिक 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 को क्या नाम है उसका? तबरेज। तबरेज उसका घर कहाँ पे? उसको साथ में रखा हुआ है? कितना रुपया था? हम लोग हम एक पल्सर में दो जन थे, बाकी बता सकते।